रंगों का त्योहार होली। आज मिनी और नितिन की प्रसन्नता की सीमा न थी। वे अपने माता पिता के साथ रंग गुलाल और पिचकारी खरीदने जा रहे थे। बाजार में चारों तरफ गुलाल और अनेक प्रकार की पिचकारियों से सजी दुकानों की छटा देखते ही बनती थी। मिनी ने मछली के आकार की पिचकारी पसंद की तो नितिन ने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। घर वापस आकर वे दोनों बहुत खुश थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह होगी और वे रंग खेलेंगे। मिनी ने माँ से पूछा, माँ हम लोग होली क्यों मनाते हैं? माँ ने मिनी को समझाते हुए बताया, बेटा होली रंगों का त्योहार है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका जलाई जाती है और दूसरे दिन रंग और गुलाल से होली खेली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हरि भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी थी, जिससे प्रहलाद के प्राण निकल जाएं। आग में बैठने के पश्चात होलिका तो जल गई, परंतु भक्त प्रहलाद बच गया। तभी से फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। दूसरे दिन खुशी में लोग एक दूसरे पर रंग डालते और गुलाल लगाते हैं। मिनी ने कहा, अच्छा माँ मैं समझ गई। दूसरे दिन प्रातः जल्दी ही मिनी और नितिन उठ गए। थोड़ी ही देर में वे अपनी अपनी पिचकारी और बाल्टी में रंग लेकर घर से बाहर आ गए। पड़ोस के बच्चे भी एकत्र हो गए। बच्चों ने एक दूसरे पर खूब रंग डाला। मिनी के पिताजी से पड़ोस के लोग होली खेलने आए। वे आपस में गले मिल रहे थे और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। एक टोली आई जिसमें एक आदमी ढोल बजा रहा था। सभी बच्चे ढोल की धुन पर नाचने गाने लगे। किसी ने उसके मुंह पर ग्रीस और कीचड़ मल दिया था, जो उसकी आंख में चला गया था। माँ ने जल्दी से उसका मुंह धुलाया। पिताजी ने बच्चों को समझाया, बच्चों होली का त्योहार ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है, सबको एकता के सूत्र में पिरोता है तथा प्रेम का संदेश देता है। अतः किसी पर कीचड़, ग्रीस या अन्य गंदी चीजें नहीं डालनी चाहिए, इससे त्वचा को हानि पहुंचती है। कभी कभी आंखों में रंग चले जाने से आंख खराब होने का भी डर रहता है, इसलिए सावधानी से रंग खेलना चाहिए। बच्चों ने कहा, हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे और मिलजुल कर होली खेलेंगे।